सारे किसान वीरां ते भैणां नूं मेरे वल्लों सति श्री अकाल। अज मैं तुहाडे सामने मक्की दी फसल ते हमला करन वाले कीड़े फॉल आर्मी वर्म बारे जानकारी लै के हाजिर होया हाँ। जे वीडियो चंगी लगे तां वीडियो नूं लाइक जरूर करो और चैनल नूं भी सबसक्राइब करो। मैं तुहाडे लई खेतीबाड़ी दीआं होर जानकारियां लै के हाजिर हुंदा रहांगा। फॉल आर्मी वर्म 2016 विच पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप विच पाया गया सी। इत्थे इसने तकरीबन 40 देशां विच मक्की दी फसल नूं नुकसान कीता सी। भारत विच इसने मई 2018 विच दस्तक दित्ती। थोड़े समय विच ही यह सारे देश विच फैल गया। पंजाब विच 2019 विच सौनी रुत्त दी पिछेती बीजी मक्की दी फसल ते वेख्या गया सी। इस कीड़े दी ठंड नूं सहारण दी समर्था बहुत घट है, पर हुण इस दा हमला सौनी रुत्त दी मक्की अते चारे वाली मक्की दे वेखण नूं मिलदा है। जे गल करिए कीड़े दे जीवन चक्कर दी, तां इक मादा अपने अंडे इक झुंड दे रूप विच दिंदी है। इक समय विच उह 100 तों 150 अंडे दे सकदी है। अंडियां दे झुंड वालां नाल ढके हुंदे हन। इक मादा अपने जीवन विच 1000 तों वध अंडे दिंदी है। अंडियां विच सुंडियां 4 तों 6 दिनां तक निकल आउंदियां हन। फॉल आर्मी वर्म दे अंडे, सुंडी 14 तों 20 दिनां दे विकास दौरान 6 अवस्थावां विचों गुजरदी है। इस तों बाद प्यूपा बनता है। प्यूपा 8 तों 10 दिनां विच बालक कीड़ा बन जाता है। बालक कीड़ा 4 तों 6 दिनां तक जिउंदा रहिंदा है। फॉल आर्मी वर्म दा पूरा जीवन चक्कर तकरीबन 26 तों 36 दिनां तक दा हुंदा है। बालक कीड़ा फसल की भाल विच एक रात विच लगभग 100 किलोमीटर तक उड़ सकता है। हुण गल फॉल आर्मी वर्म दे पसंदीदा मौसम दी। आम तौर पर तापमान अते मीह फॉल आर्मी वर्म दे वधन फुलण विच भूमिका निभाउंदा है। इस कीड़े लई 25 तों 300 डिग्री सैलसीयस तक का तापमान सब तो वध अनुकूल है। 120 डिग्री तो घट अते 390 डिग्री तो वध दा तापमान कीड़े का विकास लगभग रोक दिंदा है। तेज़ मीह कीड़े दे वधन फुलण विच नुकसानदायक है। फॉल आर्मी वर्म दे मक्की ते नुकसान दे लक्षण। इस कीड़े दियां सिर्फ सुंडियां ही फसल नूं नुकसान करदियां हन। शुरुआत विच छोटियां सुंडियां पत्ते दी सतह नूं खुरच के खांदियां हन अते इस उत्ते आकार कागजी आकार दे निशान बन जांदे हन। सुंडी दा कीता नुकसान। हुण गल मक्की दी फसल नूं इस कीड़े दी मार तों किवें बचाया जावे। पहलां तां मक्की दी बिजाई 30 जून तक पूरी हो जाणी चाहीदी है। अगस्त ਦੇ ਮਗਰਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅੱਧ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ 0.5 ml ਕੋਰਾਜਨ 18.5 SC, ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ 0.5 ml ਡੈਲੀਗੇਟ 11.7 SC, ਤੀਜੀ ਦਵਾਈ 0.4 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਜ਼ਾਈਲ 5 SG। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ 20 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 120 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 200 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਕੋਰਾਜਨ 18.5 SC ਨੂੰ 0.4 ml ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ 40 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।